हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप एक वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। मैं पूरी चीज़ें इस वीडियो में नहीं क्लियर करने वाला हूँ, मतलब एक शॉर्ट सी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को थीम दे सकते हो, लाइक लुक दे सकते हो गाइस। और आगे की वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, कैसे एक अपनी वर्डप्रेस के थ्रू आप अच्छी वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो गाइस। आपको पहले तो मैं थीम आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, कैसे अपने वेबसाइट को थीम दे सकते हो। लाइक मैं दिखा देता हूँ, तो इस टाइम पे इस वेबसाइट पे जनरेट प्रेस की थीम है जो अच्छी खासी लुक देती है और स्पीड देती है, बट ये मैटर नहीं करता गाइस कि इस टाइप का मैं अपनी वेबसाइट को लुक दूँ। लाइक बहुत लोग रहते कि अच्छा खासा दिखना चाहते, तो बहुत सारे लोग ये थीम फॉरेस्ट के थ्रू बहुत सारे थीम बाय कर सकते हैं। लाइक सबसे ज़्यादा तो न्यूज़पेपर थीम यूज़ किया जाता है, तो मैं उसके ही बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप न्यूज़पेपर थीम बाय कर सकते हो, ओके, और कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे थीम्स हैं जो आपको पसंद अच्छे लगे। लाइक थीम फॉरेस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस खुद फ्री में कुछ थीम्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक नॉर्मल से ट्रायल रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें लॉक की जाती है, उसके बाद आपको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। तो गाइस आप जो आपको थीम पसंद आए अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप वो बाय कर सकते हो। तो गाइस इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, और आपको थीम फॉरेस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। लाइक आप उधर से परचेस करना चाहे तो आप उधर से भी कर सकते हैं। और ज़्यादा देखो गाइस, बहुत सारे डिपेंड करता है, बिकॉज आप नए ब्लॉगर हो तो आप चीप थीम यूज़ करना पसंद करेंगे, जो सस्ते में रहे चीपेस्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 GPL से बाय करें, ओके। 1 GPL पे एकदम सस्ते थीम्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ओके, जैसे कि मैं इधर सर्च करता हूं, अभी इस टाइम पे न्यूज़पेपर थीम मैंने बाय किया है, ओके, न्यूज़पेपर नया वाला वर्जन 1GPL.com पे है, तो मैंने इधर से बाय किया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको बाय करना हो तो आप इसके थ्रू भी बाय कर सकते हो, ओके। मैंने इधर से बाय किया है जो थीम अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम सबसे पहले आपको थीम में जाना है, थीम में जाके अपलोड थीम कर लेना है। जैसे कि मैं उस थीम को अपलोड कर लेता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रखा था गाइस, ओके। देन इसको इंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल करते ही आपकी पूरी वेबसाइट की लुक चेंज हो जाएगी। देन इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे, ओके, हम एक्टिवेट कर लेते हैं और विजिट कर लेते हैं। गाइस एक बार मैं और बता दूं, आपको थीम सस्ते में बाय करनी है तो 1GPL.com पे जाके आप थीम बाय कर सकते हो। अच्छी खासी थीम आपको चीप रेट में मिल जाती है, लाइक 399 में आपको थीम मिल जाती है। बट गाइस इसके अंदर कोई मालवेयर एंड ऑल नहीं रहेगा, ये GPL थीम है, GPL लाइक विदाउट की, ओके, सिर्फ इसमें लाइसेंस की नहीं मिलता है, बाकी थीम जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है कोई भी बिना प्रॉब्लम के। गाइस देख सकते हैं थीम इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, लाइक देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस। गाइस अभी मेन चीज आता है, इसको पूरा चेंज करना है, ओके। तो गाइस ये सब सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना है आपको, जितनी प्लगइन्स आपको थीम प्रोवाइड करते हैं। ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए गाइस, ओके। अब हम इस वेबसाइट को अब अच्छा खासा धीरे धीरे करके पूरा लुक देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं जब तक फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, ओके, मैं फोटोशॉप ओपन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे ये लोगो बनाने के लिए मुझे फोटोशॉप की नीड पड़ेगी, ओके। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फोटोशॉप ओपन होने के लिए छोड़ दिया जाता, ओके। देन हम जाएंगे थीम पैनल में, अभी धीरे धीरे करके सारे लुक्स को हम मॉडिफाई करेंगे, ओके। सबसे पहला हेडर गाइस, हेडर आपको किस टाइप का चाहिए, लाइक मैं ज्यादा करके एक नॉर्मल सा हेडर चॉइस करूंगा, लाइक दिस इस टाइप का, ओके, कि ऊपर मेरा सारे टॉप मेन्यू आ जाए और नीचे मेन मेन्यू आ जाए, ओके, डन। देख सकते गाइस मेरे को कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाएगा, ओके।
मैंने अभी तक मेन मेन्यू एंड ऑल नहीं बनाया, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। ओके देन इसको हम छोड़ देते हैं। देन टॉप मेन्यू को भी ऐसे छोड़ देते हैं। मुझे गाइस देख सकते हैं, पहला आपको ये हेडर स्टाइल चॉइस करना है जो आपको पसंद है, लाइक सब पे क्लिक करके आप देख ले कौन सा आपको अच्छा लगे। देन आपको नीचे जाना है, देन आपको टॉप मेन्यू किस टाइप का चाहिए। ओके इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हो। मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये लूँगा। ओके देन इसमें बहुत सारी चीज़ें, शो आइकॉन एंड ऑल नेटवर्क, सारी चीज़ें आप ले सकते हो। देन मेन मेन्यू गाइस, मेन मेन्यू को आपको किस टाइप से रख सकते हैं। मुझे स्टिकी रखना है। ओके तो मैं स्टिकी पे क्लिक कर दूंगा। सोशल मीडिया आइकॉन शो करना है तो आप कर सकते हो। देन फेविकॉन गाइस, आपको फेविकॉन क्रिएट करना होगा। ओके जैसे कि मैं, मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है, मैं फेविकॉन के लिए साइज लूंगा। ओके देन मुझे फेविकॉन फर्स्ट क्रिएट करना है गाइस। देन फेविकॉन एंड लोगो, तो पहले मैं लोगो क्रिएट कर लेता हूँ, लोगो देन फेविकॉन में क्रिएट करता हूँ। ओके देन आपको साइज गाइस इधर दिया गया, आपको साइज वही लेनी है। जैसे कि मैं ये साइज लेता हूँ 720 एंड 90। ओके मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ 19। और पिक्सल्स आपको रेजोल्यूशन जितने चाहिए उतने रख ले, मैं 200 लेता हूँ, ज़्यादा करके मैं 200 ही यूज़ करता हूँ गाइस। देन हम क्या करेंगे, एक लोगो अच्छा सा क्रिएट करेंगे जो मेरी वेबसाइट को अच्छा लुक दे। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ओके हियर वी गो, देन हम एंटर। एंड मैं क्या करूँगा, ये जो है ना इसको नॉर्मल सा रखूँगा और डी को मैं बड़ा रख दूँगा अलग कलर में। ओके जैसे कि मैं क्या करूँगा, डी को बड़ा रखूँगा एक अच्छा सा लुक देने के लिए। लाइक दिखाता हूँ मैं, कि मैं क्या कर दूंगा, लाइक मैं लुक देख लेता हूँ, लाइक बैकग्राउंड वाइट है, देन मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। इसके साइज में लगता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज चेंज करता हूँ मैं। इसका कलर चेंज, हियर वी गो, और इसके फॉन्ट्स को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा अच्छा कर दूंगा। ओके लाइक ऑड टाइप नहीं लगना चाहिए। देन अभी इसको मैं सेव करूंगा। अब मैं इधर क्रिएट करूंगा न्यू फोल्डर एंड लोगो। ओके मैं एक लाइक ये नॉर्मल लोगो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देन मैं एकदम, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने इस लोगो को क्रिएट किया लाइक एकदम इजी वे। ओके जैसे कि मैं इस लोगो को फिर से जाके डन हियर वी गो, और आपको इसको लोगो के लिए नाम देना होगा। इसके मैं इस कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी कर लेता हूँ, इधर ही मैं पेस्ट कर दूंगा अपलोड होने के बाद। या हियर वी गो, देन हम सेव करते हैं। आपको कुछ दिखाता हूँ मैं किस टाइप का शो होगा लोगो। ओके, ये देख सकते हैं इस टाइप का शो होगा। कुछ आप अच्छे से भी क्रिएट कर सकते हैं एकदम थोड़ा सा टाइम देके। मैं फास्टली आपके लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ। ओके, लाइक तुम इस टाइप से लोगो बना सकते हो। देन फेविकॉन, गाइस ये फेविकॉन होता है, ये जो है लिखा ये दिख रहा है लोगो वो फेविकॉन होता है। तो इस टाइप का आपको फेविकॉन क्रिएट करना होगा और उसकी साइज रहती है, देख सकते गाइस इधर आपको साइज मिल जाएगा 60x60। ओके, तो मैं 60x60 का आपको साइज लेना, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ, जैसा सेम आपको साइज चॉइस करना है आपके फोटोशॉप में जाके। ओके, देन फोटोशॉप में जाके मैं 60x60 कर लूँगा। वीड आपको हाइट भी 60 है, वीड भी 60 करना है। ओके, एंड पिक्सल चाहे तो आप कुछ भी रखें। ओके, उस वो मैटर नहीं करता है। ओके, देन देख सकते हैं बहुत छोटा रहेगा, इसको हम जूम कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा फिल कर दूंगा एंड बीच में जो बैकग्राउंड कलर है ना लाइक, उसको मैं कुछ अलग टाइप से रखूंगा, जैसे कि ये ब्लू कलर का मैं रखूंगा। ओके, बिकॉज मेरी वेबसाइट की जो लुक है मैं पूरा ब्लू देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं पूरा ब्लू ले लूंगा। ओके, डन। ओके, देन मैं जो डी है उसको वाइट करके रख दूंगा। ओके, जैसे कि बहुत बड़ा साइज है गाइस, ये और भी बड़ा है, और छोटा करने की इसको कोशिश। कैसी ज्यादा छोटा साइज है, इसके लिए मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। तो इस टाइप का लुक दे सकते हैं या कुछ आप पॉइंटिंग एंड ऑल शो कर सकते हो या लोगो दे सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ डी लिख रहा हूं। ओके, इसको पीएनजी में सेव करें, ज्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो मैं पीएनजी में सेव कर रहा हूं इस टाइम पे, तो आप जेपीजी में भी कर सकते हो बट पीएनजी में ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देख सकते हैं। देन मैं अपलोड करके एक बार रीलोड करता हूँ, तो जो फेविकॉन की आइकॉन है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके, देन इट्स तो गाइस आपको सबसे पहले टाइटल देना है, इधर आपको नीचे जाएंगे तो आपको इधर टाइटल एंड ऑल भी दे देना है, बिकॉज जो लोगो जब शो नहीं होगा, जब किसी का नेट स्लो है तो आपका सीधा वेबसाइट की नेम इधर शो होगी। देन सेम वैसे मोबाइल में इंटरफेस आपको क्या लोगो की साइज है वो चॉइस कर लेना है एंड ऑल उस सेम प्रोसेस में ही डाल देना है। ओके, देन आपको लॉगिन, मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा लॉगिंग वाला आपका वेबसाइट है तो आप इसको ऑन ना करें। ओके, कोई मतलब नहीं है। देन हेडर बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो, जो इसका बैकग्राउंड है कुछ आप ब्लैक एंड ऑल रखना चाहते हो तो आप इधर से कलर चॉइस कर सकते हो, लाइक कुछ बैकग्राउंड डाल सकते हो, बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हो लाइक क्रिएट करके आप। ओके, ओके, इट्स डन। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम फुटर पे। देन फुटर आप किस टाइप का लुक देना चाहते हो, लाइक इस टाइम पे देख सकते हैं वेबसाइट का फुटर इस टाइप का कुछ लुक दे रहा है। ओके, तो आप कुछ अलग भी रख सकते हैं लाइक दिस। ओके, जैसे कि मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कुछ अलग तरीके से आप रखना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इस टाइप का है तो नीचे पूरा मेरा अबाउट सेक्शन आ जाएगा। ओके, लाइक इसमें देख सकते हैं अबाउट सेक्शन है, देन सोशल मीडिया है, तो आपको जिस टाइप का पसंद है आप उस टाइप का रख सकते हो, जितने आपको सेक्शन चाहिए होगी फुटर्स में। ओके, तो उस टाइप का आप रख सकते हो। ओके, देन मैं इसको अभी नॉर्मली रख देता हूँ। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं एड्स पे। गाइस ये नई वेबसाइट है, इसके लिए एड नहीं इस टाइम पे मैं लगा सकता,
बट इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐड लगा सकते हो। ओके, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कुछ चीज़ें हैं वही। ओके, लाइक आपको ये सब इसको तो रहने देते गाइस, ये लोडिंग इमेज, इसको एनिमेशन रखते हो तो डिपेंड करता है, तो मैं फुल फेड रख दूंगा। ओके, कि लाइक वेबसाइट के पहले टेक्स्ट तो शो हो जाएंगे, देन इमेज शो होगी। ओके, तो ये कुछ टेम्पलेट्स एंड ऑल है कि कैसा आपको आपकी वेबसाइट पे लुक देना है, जैसे कि टैग्स के लिए आप अलग दे सकते हो। ओके, देन सर्च के लिए अपने टेम्पलेट्स अलग दे सकते हो कि लाइक इस टाइप के लुक्स हो। ओके, वो कॉमर्स के लिए अलग दे सकते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं वो करना है। ओके, वो कर सकते हो। देन कैटेगरी के लिए भी सेम है, किस टाइप से आपको कैटेगरी शो करनी है। ओके, जो पोस्ट है वो किस टाइप से कैटेगरी में शो करना है। ओके, और आर्टिकल डिस्प्ले व्यू कैसे करना है, वो सारे हैं। तो जिस टाइप का आपको पसंद है उस टाइप का आप रख सकते हो गाइस। देन पोस्ट पे आ जाते हैं, पोस्ट पे आपको क्या क्या शो करना है, क्या नहीं करना है, स्कीमा रखना है या नहीं रखना है, तो आप अपने हिसाब से। तो स्कीमा तो कोई डिसेबल नहीं करता, बट या आपको करना रहेगा तो कर सकते हो। तो लाइक आप बाहर से योस्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक मैं इस टाइम पे योस्ट यूज़ कर रहा हूँ एसईओ के लिए, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा, बिकॉज दोनों साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम होती है। ओके, और दूसरी चीज़, आपको आर्टिकल्स कैसे शो करने हैं, लाइक फिफ्थ वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो आपको किस टाइप से ऐड पहले शो करना है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हो किस टाइप से आपको रखना है। ओके, देन पोस्ट में क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, लाइक आपको शो कैटेगरी टैग्स करने हैं, लाइक देख सकते हैं मैं कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, लाइक इस टाइम पे तो पूरे होम पेज पे ही आर्टिकल्स है, तो मैं इसको एक को ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। ओके, देन देख सकते हैं। ओके, शो कैटेगरी जो ऊपर है, ये आपको कैटेगरी शो करनी है कि नहीं करनी है, तो वो आपको नहीं करनी है तो आप उसको ना करें। ओके, शो ऑथर नेम, ऑथर नेम जो है लाइक ये जो ऑथर नेम दिया गया है आपको नहीं शो करना है, तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो। और डेट उसके नीचे देखेंगे, बाजू में देखेंगे डेट है, तो आपको डेट भी नहीं शो करना है, तो आप उस पर ऑफ कर दे, डेट नहीं शो होगा। और पोस्ट व्यू आपको नहीं शो करना है, तो सेम। ओके, देन कमेंट काउंट, शो टैग, ऑथर बॉक्स। ओके, प्रीव्यू, प्रीव्यू एंड बैक प्रीव्यू। ओके, लाइक बैक्स, लाइक आपके आर्टिकल्स दो तीन है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, ये और नेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए इधर आ जाएगा। ओके, उस टाइप का करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देन टैग्स, नॉर्मल सी बात है, कोई भी अपने आर्टिकल्स में टैग जल्दी शो नहीं करता, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। देन ये कमेंट आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर दे। ओके, देन फीचर इमेज, गाइस कुछ लोग जो रहते हैं फीचर इमेज हाइड कर देते हैं, लाइक वेबसाइट फास्ट लोड, तो आपको जिस टाइप से आपको फास्ट वेबसाइट लोड करना, तो वो भी डिपेंड करता है। ओके, कि बाहर आप थंबनेल में दिखा दें और अंदर ना दिखाएं, तो ये ऑफ कर दें तो आपको आर्टिकल्स में नीचे तो। ओके, रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड पोस्ट तो गाइस आप डिपेंड करता है आपको कितना रिलेटेड पोस्ट शो करना है वो। देन शेयरिंग बटन, गाइस ये शेयरिंग बटन है, आपको न्यूज़पेपर थीम में शेयरिंग बटन पहले से मिल जाती है। ये टॉप पे आपको लाइक नहीं शो करना है, तो आप इसको टॉप वाले बंद कर दें, बॉटम वाले लाइक आपको बंद करना है बॉटम वाले बंद कर दें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो। ओके, मोर आर्टिकल बॉक्स, लाइक वो शेयर साइड में आता है उसके लिए है। ओके, देन वीडियो। ओके गाइस, इतना ही है इसका सेटिंग। ओके, देन ब्लॉग्स के हैं, ब्लॉग्स आपको लाइक ये जो साइड ब्लॉग्स रहते हैं आपको कैसा शो करना है वो भी देख सकते हैं। ओके, देन ये चीज़ें हैं मेरे को जिस हिसाब से शो करना है। ओके, तो आप रख सकते हैं, मैं ये रख लेता हूँ, मेरे को अच्छा ये लगता है। ओके, देन बैकग्राउंड, गाइस आपको ये बैकग्राउंड कैसा चाहिए, जो साइड बैकग्राउंड से उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, ट्रांसलेशंस आपको लाइक आपकी जो लैंग्वेज है उसको चॉइस कर लेना, लाइक मैं इंग्लिश में है ये वेबसाइट तो मैं इंग्लिश कर दूंगा, लाइक इस टाइम पे मेरे को इंग्लिश मिल नहीं रही, मिल गई, डिफॉल्ट है। ओके, देन जो जो इसमें दिया गया है लाइक ट्रांसलेशन शो कर लें। देन थीम फॉन्ट। ओके गाइस, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, थीम जो थीम पोस्ट है उसको थोड़ा सा अपने थोड़ी सी लाइक हार्डवर्क दे थोड़ी सी। ओके, तो जिससे आप अपने फॉन्ट को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं लाइक। ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है थीम पे, कुछ लोग ऐसे नॉर्मल से थीम रख देते जो
पढ़ने में थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे अपने थीम चॉइस। थीम तो अच्छी चॉइस कर ली, आपने फॉन्ट अच्छा नहीं चॉइस किया तो कोई मतलब नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा टाइम दे और अच्छा सा थीम चॉइस करें गाइस, ओके थोड़ा सा अच्छा, ओके लाइक ये देख सकते हैं ये आर्टिकल्स में इस टाइप का कुछ रहता है, ओके तो कुछ पैराग्राफ्स एंड ऑल देखें कि कैसा प्रॉपरली रीड करने के लिए अच्छा जम रहा है कि नहीं, ओके तो आप उसके हिसाब से अपनी फॉन्ट को एडजस्ट करें कि लाइक हेडर साइज मेरा ये रहेगा, ओके जो पैराग्राफ से वो साइज में रहेंगे, सारी चीज़ें पे थोड़ी सी मेहनत करें अच्छा खासा कर सकते हो आप गाइस, ओके। देन एनालिटिक्स दिया गया है, आप गूगल एनालिटिक्स से जोड़ना चाहे तो ये दोनों पे डाल दे, गूगल एनालिटिक्स से जुड़ जाए, ओके। देन सोशल मीडिया आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया आपको पूरा अकाउंट डाल दे इसमें और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ओके देन ये सब सारी चीज़ें हैं गाइस, आप इसके थ्रू पूरे थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके। देन दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसमें होम बटन अभी नहीं डाला गया, तो होम बटन मैं बता देता हूँ होम बटन के लिए क्या चीज़ है, ओके मेन्यू आपको किधर से मिल जाएगा, मेन मेन्यू आप उधर से क्रिएट कर सकते हैं, ओके देन मैं सबसे पहले तो ये होम को नॉर्मल कर ले गाइस। इसके अंदर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, आप डायरेक्ट डेमो को भी इंस्टॉल कर सकते हो जिससे कि एक वेबसाइट मतलब क्रिएट हो जाएगी पूरी, ओके लाइक आपको कस्टमाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एक थीम क्रिएट हो जाएगा, ओके अच्छा सा खुद एक थीम लोड हो जाएगी लाइक दिस, ओके आपको जिस टाइप से इसमें चाहिए तो आप उस टाइप से इसमें ले सकते हो, लाइक मैं थोड़ा सा इसको पहले कर लेता हूँ 2 सेकेंड, ओके लाइक ये देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ तो मेरी वेबसाइट उस टाइप में पूरी चेंज हो जाएगी, लाइक हर चीज़ खुद से एडजस्ट हो जाएगा गाइस, ओके कोई भी रहे, ओके तो ये थोड़ी सी इजी हो जाती है पूरी वेबसाइट क्रिएट करने में, लाइक ये सारी थीम प्रोवाइड करती है इस टाइम पे, लाइक सारी कुछ थीम्स है जो नहीं प्रोवाइड करती है, बट आधी से ज़्यादा थीम्स ये चीज़ प्रोवाइड करती है, डेमो थीम आपको दे देती है जिससे एक बार इंस्टॉल करके आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या चेंज करके समझ गए होंगे, ओके तो आप एक वेबसाइट रेडी कर सकते हो गाइस। इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।